इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये जुबानी जंग इसलिए हुई क्योंकि देश में वैक्सीनेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। सोमवार से शुरू किए गए नए वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत पहले दिन सबसे ज्यादा 86,13,000 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। कल बने इस रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा योगदान मध्य प्रदेश का है, वहां 16.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। एक दिन में इतना ज्यादा वैक्सीनेशन दुनिया के किसी भी देश में अब तक नहीं हुआ है। भारत में अब तक 28,87,00,000 से ज्यादा वैक्सीन की लोगों को दी जा चुकी है। इससे पहले भारत में सबसे ज्यादा एक दिन में 43,00,000 वैक्सीनेशन किया गया था, लोगों का को वैक्सीन लगाई गई थी। यह आंकड़ा 5 अप्रैल का था, लेकिन अब बीते कल एक नया रिकॉर्ड बना। तो एक दिन में 86,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इससे पहले 43,00,000 लोगों को वैक्सीन लगी थी, यानी कि भारत ने अपना पुराना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। वैक्सीनेशन में कल सबसे ज्यादा कमाल अगर किसी राज्य ने दिखाया है तो वो है मध्य प्रदेश। यहां 16,70,000 से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। कर्नाटक में 11,11,000 लोगों ने वैक्सीन लगाई तो उत्तर प्रदेश में 7,16,000 लोगों को वैक्सीन लगी। बिहार की बात करें तो यहां 5,19,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। तो गुजरात में भी 5,09,000 लोगों का वैक्सीनेशन बीते कल हुआ। ये हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं भारत के अलग अलग राज्यों का, कहां कितनी वैक्सीनेशन लगाई गई। कल की तरह आज भी वैक्सीनेशन बड़ी तेजी से हो रही है। आपको पटना की तस्वीरें दिखाते हैं। टीका लगवाने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतार नजर आ रही है, देखिए। बिहार में वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हो चुका है। पिछले 24 घंटे में 7,30,000 रिकॉर्ड लोगों को टीका दिया गया है और जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है अब उस तरफ बढ़ने की कोशिश की जा रही है। बिहार सरकार ने अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीका देने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इस लक्ष्य को पाने के लिए हर दिन 3,30,000 लोगों को वैक्सीन देने की आवश्यकता है और इस दिशा में अब कोशिशें शुरू हो गई हैं। इससे पहले कोरोना के टीकाकरण की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज नहीं थी, कई तरह की दिक्कतें आ रही थी, टीका की उपलब्धता बहुत नहीं थी, टीकाकरण केंद्रों की संख्या कम थी, लोगों में भ्रम की स्थिति थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये मुश्किलें हल होती दिखाई दे रही हैं और उसका ही नतीजा है कि वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। हम इस वक्त पटना में एक टीकाकरण केंद्र पर हैं, ये होटल पाटलिपुत्र अशोक है और यहाँ पर देखिए लोग कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसको पाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई जाए। बिहार में अभी 6,000 केंद्रों पर टीकाकरण हो रहा है। जब शुरुआत हुई थी तो ये संख्या महज 300 से 400 के आसपास हुआ करती थी, लेकिन अब वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ने का नतीजा है और ख़ासतौर से जो टीके की उपलब्धता है केंद्र की तरफ से वो चूँकि अब काफ़ी अच्छे तरीके से हो रही है और इस वजह से अब वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि दिसंबर तक बिहार में अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाए उस लक्ष्य को पाना अब आसान दिखता है। ये बताइए कि वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ी है, जो एक महाअभियान शुरू हुआ है, तो आपको लगता है कि यदि इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहे तो वो लक्ष्य पा लेंगे कि जब अधिक से अधिक लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे? जी बिल्कुल, तो हम सक्सेस को हासिल करें। जी आपको क्या लग रहा है कि अब रफ्तार जो बढ़ी है ये बेहतर है, ये और इसकी आवश्यकता भी है, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ना? जरूरी है क्योंकि जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि थर्ड वेव आने वाली है, तो ज़रूरी है कि मोस्ट ऑफ द पीपल वैक्सीनेट हो जाएं, क्योंकि फर्स्ट डोज के बाद सेकेंड डोज जो सेकेंड बूस्टर कहलाता है और उसके बाद आपको कम से कम 2 वीक लग जाते हैं इम्यूनिटी आने में, तो इट इज़ बेटर कि गेट वैक्सीनेटेड एंड मोस्ट ऑफ द पीपल गेट वैक्सीन, क्योंकि इट इज़ द ओनली थिंग विच विल प्रोटेक्ट यू एंड गिव यू इम्यूनिटी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।